किया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। वो दावा ते तुसा भी नहीं कीता जेड़ा इन्हें कर छड़िया जी। मैनू अजे तक लभिया नहीं, मैं लभदा नहीं। तुसी जेड़ा जेड़ा ना अपनी स्टोरी सुनाओ ना जरा, ते फिर अगो मुफ्ती साहब बताते खुद गल कर देने। हाँ मुफ्ती साहब नु शायद पता होवे। मुफ्ती साहब 2008 दी गल है कि ना मेरा दोस्त ने मैनू दसिया सी कि उन्हें एक पैम्फलेट च पढ़िया सी कि मिर्जा दी डायरेक्ट जड़ी गल्ला ने ना उहदे विचों कि मिर्जा कहिंदा कि मेरे उत्ते एक फरिश्ता आंदा, वह फरिश्ते दा नाम है कुमकुम। मतलब उन्हें ना हुण ना भी हिंदू मेरे को कोई दलील नहीं हुण इस गल दी मसला हैगा। ਉਹ ਪੈਂਫਲਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਲਵ ਲਗ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁੰਮ ਕੁੰਮ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਕੁੰਮ ਕੁੰਮ ਉਹਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਭਾਈ ਐਸੇ ਮਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ कुम कुम सी, लेकिन मुफ्ती साहब अगर माजरत के साथ अगर तो आप अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं नजदीक हैं कंप्यूटर के पास, तो मुफ्ती साहब वो टीची टीची वाला हवाला दिखा दीजिएगा प्लीज। जी जरूर दिखा देते हैं जनाब, क्योंकि आज जो है ना आज मैं वो हवाला जो मुझे चाहिए भी, क्योंकि मैं जब भी ये मर्जई कहते हैं ना कि इसका मतलब है टीचिंग, तो मैं कहता हूँ नहीं, वहां पे लिखा टीची स्लैश टीची। जरा प्लीज हवाले नोट कर लो जी, शैतानी खजाइन जिल्द 22 सफा 346 के ऊपर टीची टीची मिर्ज़े कादियानी के फरिश्ते का जिक्र। अच्छा मुफ्ती साहब जरा दोबारा बोलिएगा, रूहानी खजाइन जिल्द 22 346। तो मुफ्ती साहब इसकी किताब कौन सी है? 22 हकीकतुल वही। हाँ हकीकतुल वही, सफा नंबर 322 नीचे लिख दें, सफा 346 346 जिल्द 22 ठीक हो गया। आगे जनाब तज़करा का सफा 643, यहाँ पे हफीज फरिश्ते का जिक्र है। मिर्जा कादियानी का एक फरिश्ता था हफीज। फिर आगे तज़करा का सफा नंबर 23 है, यहां पर मिर्जे का एक फरिश्ता था खेराती, उसका जिक्र खेराती। मुझे पता खिरात लेने वाला, जैसे मिर्जा नहीं सी खिरात लेता था, तो खिरात लेने वाले को खिराती कहते हैं। तो फरिश्ता भी मिर्जे का ऐसा था कि जो खिरात लेता था, चंदे लेता था। तज़करा का सफा नंबर 69 यहां पर मिर्जे का यानी के फरिश्ते का जिक्र है, दुर्शनी आदमी, दुर्शनी आदमी। रोजनामा अल फजल सद सादा सद साला जूबली 2013 ये इनका जो शुमारा आया था सद साला जुबली नंबर जो था, उसमें हजरत मसीह मूतर का दाया और बाया फरिश्ता लिखा हुआ है कि हाँ इन दिनों में ये बहसें खूब हुआ करती थी कि हजरत मसीह मूतर का दाया फरिश्ता कौन सा है और बाया कौन सा है, यानी क्रामन कातेबीन कहते हैं ना दाएं बाएं फरिश्ते को। तो बाज कहते थे कि मौलवी अब्दुल करीम साहब दाया फरिश्ता हैं
और हकीम नूरुद्दीन बाया फरिश्ता है। ये मौलवी अब्दुल करीम और मौलवी हकीम नूरुद्दीन वो ही है कि जो रेलवे स्टेशन के ऊपर नच्छो बेगम के ऊपर जिनको गैरत आ गई थी, तो मौलवी अब्दुल करीम जब गया था समझाने के लिए तो मिर्जे ने कहा था, जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूं। ये वो ही मौलवी अब्दुल करीम है। तो ये करामन कातिबीन भी पता चल गए। आगे सीरत उलमादी सफा 27 हिस्सा चहारम कादियानियों की हदीस नंबर 1013 और यहां पर कादियानियों के दो फरिश्तों का जिक्र है, दियो और हरदियो, दियो और हरदियो। हालांकि दियो जिन को कहते हैं और अच्छा हरदियो का मतलब होता है बहुत बड़ा जिन। मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। मैं पहले वो चीमा आया था तो चीमे ने कहा यहाँ पर झूठ बांध के गया मिर्जे की किताब पे, ठीक है मिर्जाइयो, अब आपने चीमे को पकड़ना है। मुफ्ती साहब 2 मिनट लैसा, ठीक है, क्योंकि मैं अल्लाह दी कसम चुक के ये क्या सी कि अपनी गुनाहगार अखा ना टीची स्लैश टीची मैं मिर्जे की किताब चो पढ़िया था ए तुहाडे सामने लफज जे टीची 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 स्लैश टीची, मैं अल्लाह दी कसम चुक के कहा सी कि मिर्जे दी किताब से ये लफज मैंने पढ़ा है। तो ये आपके सामने, अल्लाह का भला करे मुफ्ती साहब का, तो वो आगे हवाला मिल गया, मैं सच्चा साबित हो गया। अब मर्जयो तुम पकड़ लो जूते, तो पकड़ो उस बेशरम इंसान को जिसका नाम MRS, जिसको चीमा कहते हैं, वो मिर्जे की जुबान पे मिर्जे के लहाम पे झूठ बांध के गया है। उसने बोला है कि ये आप समझ नहीं पाते कि मिर्जे ने लिखा क्या है, इंग्लिश का लफज है टीचिंग, लेकिन यहाँ पर वो मिर्जा बजाते खुद कहता है कि टीची स्लैश टीची पंजाबी जुबान में वक्त मुकर्रा को कहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक मिर्जाई अपने जनाब मिर्जे की किताब पे झूठ बांध के गया है, तो ये इनका हाल है, ये मैं सच्चा साबित। अब मुफ्ती मुबशिर शाह साहब, आपकी बारी सर, माई कॉल ऑन योर्स। अच्छा जी, आगे एक मिर्जे कादियानी के ऊपर मोनस फरिश्ता भी आता था, और यानी फरिश्ती कह सकते हैं, हालांकि इस्लाम के अंदर फरिश्ती कोई नहीं होती। यानी मोनस फरिश्ता कोई नहीं होता इस्लाम के अंदर, लेकिन किताब का नाम है हयाते कुदसी जिल्द 2 सफा 46। हयाते कुदसी जिल्द 2 सफा 46, वहां पर सकीना नाम की फरिश्ती का जिक्र है। तज़करा का सफा नंबर 24 है, वहां पर शेर अली फरिश्ते का जिक्र है। जी, जिसने आंखें निकाली थी, शेर अली, शेर अली ने आंखें निकाली थी मुफ्ती साहब, जी, छोटा मोटा फरिश्ता नहीं था, जी, लेकिन उसकी सिर्फ गलती ये थी कि जब उसने आंखें डाली लेफ्ट में राइट को, राइट में लेफ्ट को डाला, मिर्जे को काने करके चला गया। वाह। जी मुफ्ती साहब, तज़करा का सफा नंबर 474 है, मिर्जे कादियानी का मशहूर फरिश्ता मिठन लाल, ये मिठन लाल फरिश्ता। मिठन लाल की खसूसियत बता सकते हैं मुफ्ती साहब? मिठन लाल ये वो ही था जो मिर्जे कादियानी के मकद में खुजली किया करता था, क्योंकि वहां मिर्जा का जो हाथ था वो टूटा हुआ था, तो वहां पे अंदर नहीं दाखिल कर सकता, ये आके पीछे से खुजली करता था। ठीक हो, अच्छा, अब टोटल कितने फरिश्ते हो गए भाई, गिनते जाइएगा, शायद भाई गिनिएगा। टीची टीची जी टीची टीची
जी बोले ना एक 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 हो गया, मैं समझ गया, मैं हफीज, गिन रहा। दो, तीन, खिराती, दुर्शनी आदमी, चार, दाया बाया फरिश्ता, दो ये डाले, पांच, छः, दियो और हरदियो, दो फरिश्ते ये डाले, सात, आठ, सकीना फरिश्ती, आठ, नौ, आठ, शेर अली दस, और मिठन लाल, 11, 11 फरिश्ते हो गए भाई, कादियानी हो गए। कोई फरिश्ता घट वध कर लो मुफ्ती साहब भाई, ना कोई एक नहीं सामने जाता, तुम 10 कर 11 करते हो। नहीं 11 तो फिर वेखो ना जी, डबल वन है। हाँ कोई कादियानी है कोई, आओ यार कोई कोई दसो, नाले ए कादियानियों को असं यह सवाल करना है कि केड़ा फरिश्ता केड़े काम वास्ते सी। मुफ्ती साहब पप्पू बैठे हैं ना थले। सलाम हाँ पप्पू दसेगा, आ जा भाई पप्पू। वालेकुम रहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। हाँ भाई पप्पू, मुफ्ती साहब देखो, एक मुसलमान नु कादियानी कहना किड्डा वड्डा गुनाह है। ओ चल वैसे तू दस ते सही इन्हां दे बारे कोई सानू। मुफ्ती साहब नहीं ना पप्पू, छड्डो ए ते पप्पू, उन्होंने काका ने, काके सिपाही ने तेनू कादियानी नहीं किया, उन्हें सिर्फ ये किया कि पप्पू मलक थले बैठा था ना, ये कोलो पुछ लो। नौजु बिल्ला उन्हें कादियानी नहीं तेन बनाया, तू उन्हों की बराडा से जाना वे, इस वास्ते उन्हें वो नजरिए ना गल की। बराडा से जाने सर असी अल्लाह ते उहदे रसूल। पप्पू मैं तेन कादियानी नहीं किया, मैं सिर्फ इन्ना किया कि पप्पू मलक बैठा थले, ये असी उन्हों की तेन इज्जत दी, उन्हों तक अल्लाह ते उहदे रसूल का पैगाम पहुंचाने, असी अल्लाह के मुजाहिदा, तेन इज्जत दी है गल करन, खत्मे नबूवत के मुजाहिदा, तसी इंशाल्लाह तआला अपना काम जारी रखांगे इंशाल्लाह अजीज। अच्छा चल फरिश्तियां दे बारे कोई थोड़ी जी गल ते कर। मुफ्ती साहब ए इन्हां ने सारा झूठ ही लिखी है, तुहानू पता है एक इंपोर्टेंट अज इशू है, कल मैं थोड़े नाल थोड़ा डिस्कस करना चाहना अगर इजाजत देते। बिल्कुल ठीक। तुहानू पता है पिछले च एक भैन सी, वह जा रही सी अपनी मियाँ के नाल रेस्टोरेंट च खाना खा रही सी, ते उन्हें जिहड़े जिहड़े कपड़े पाए होए सन उहदे ते अरबी दे हरूफ लिखे हुए सन। अच्छा वो साढ़े जिहड़े तुहानू पता है दहशतगर्द जिहड़ी आवाम है जिहड़ी, वह जिन्हां नू अलिफ की जगह बे, बे की जगह से, ते से नहीं आती, उन्होंने डंडे सोटे चुक ले, नहीं जी ये कुरान लिखे है तो तुसी जेड़े ना अपना की ना है तू तोहीन कर दी है। अच्छा कितन दा वाक्य है सर? ये कल दा वाक्य है। अच्छा इछरा है जेड़ा पिंड है? इछरा जेड़ा लाहौर है, इछरा है। अच्छा इछरा लाहौर, इछरे लाहौर है। ते फिर की होया, वो मार छड़िया ने उन्होंने? नहीं नहीं, 200-300 बंदा इकट्ठा हो गया। अच्छा फिर वेर पुलिस पुलिस ने कॉल की, फिर एएसपी एसपी एसी के एसपी कुड़ी आई नफरी दिना, ओनू लै गए थाने छाने, उन्होंने बड़ी मुश्किल ना जान बचाई उदी। उत्थे थाने जाके बदारे टीएलपी दे जेड़े लीडर वगैरह ने, वड्डे मुफ्तियान ने, जो भी ने, उन्होंने अल्लाह उन्हां दा भला करे, ओ गए ते उन्होंने ओदी कोलों ओदी जान बाजियाबी कराई। यानी टीएलपी दे बंदियां ने जान छुड़ाई? नहीं लीडरां ने, ठीक है उन्होंने लीडरां ने, ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ, ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਵਾਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਟੀ ਐਲ ਪੀ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 200-400 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਟੀ ਐਲ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਲਾਣ ਪਲੀਜ਼, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਟੀਐਲਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਰਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ, ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਕਾ ਸਰਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਲਵਾ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ TLPA ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ TLPA ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਲੋ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ TLPA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਜੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਛਡਾਈ ਆ ਕੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਵਾਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕੌਣ ਆਵਾਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕੀ TLPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸੰਭਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TLPA ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ TLPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਲ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਵਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਓਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਾ ਸਲਮ ਤੇ ਨਬੂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਰਾਈ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਜੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਫਰੋਨ ਦਾ ਨਮਰੂਦ ਦਾ ਅਬੂ ਲਾਬ ਦਾ ਅਬੁਲ ਜਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਬੂਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਧੇਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ ਲਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ ਉਹ ਬਾਈ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਵਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਬਤ ਯਦਾ ਬੀ ਲਹਬਿਮ ਵਤਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੌਣ ਹੈ ਨਸੀਹਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਉਸ ਨਸੀਹਤ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਤਬਤ ਯਦਾ ਬੀ ਲਹਬਿਮ ਵਤਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਲਹਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਹਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਲਹਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲਹਬ ਹੈਗਾ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਸੀ ਲਹਬ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਹਬ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਦੱਸੋ ਅਬੂ ਲਹਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਲਾ ਸਲਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ
नबी करीम सल्लम अबू लहाब या अबू है जरा अबू लहाब ओ कोई नहीं है जरा बंद काफर है अबू लहाब नहीं लह चलो तबू या लहब अबू लहाब ही तखलुस है ना अच्छा ते की ओ अदब वाली जगह वे ओ अदब वाली जगह नहीं नसीहत वाली जगह है ठीक है असी कुरान मजीद दा पहला सफा माइक म्यूट करो यार मेरे भाई एवें रंग च पंग ते एवें आके ना हर बंदा ही सवाल ओदा जवाब अच्छा नहीं छोटा जा सवाल ना करो तुसी माइक म्यूट करो जरा मेहरबानी करो नहीं एदा नहीं ना हुंदा ओए माइक ते म्यूट करो ना यार नहीं की हुंदा वे छोटा सवाल दा जवाब देओ ना छोटा तुहाडे सवाल दा जवाब दईए चुप करो बवो आराम नाल एवें हर बंदा फिलासफर बने है मेरा फलसफा सुनो जी है जी एक ते फिलासफर नहीं मुकदे पे अल्लाह इन्हां फास फिलासफरां नूं गारत करे यकीन है इन्होंने बेड़े गर्क कीते ने हर बंदे दा अपना एक फलसफा है मैं कहना जी मैं कहना जी मैं कहना जी पता नहीं वेले बह के किथे बह के सोचते रहिंदे ने अज हुण किहड़ा फलसफा जिहड़ा टिकटाक ते जाके असीं पेश करना है वह भला कोई अकल दे नौ लवो पता तो है किसी गल का नहीं तो भला अपने काम नाल काम रखो जे तुसी ड्राइवर हो तो ड्राइवरिंग करो ध्यान नाल जे तुसी कोई मोची मोची लुहार तरखान हो तो कम करो ध्यान नाल जिहड़ा कम है तुहाडा एवें ही हुथला देनियां ने विच दीन दे कमां दे विच इंज करो ते इंज करो ते इंज ना करो एडे हो ना ते तुसी पाकिस्तान च फितना खत्म कराओ चुप करके गल सुन तेरी एग्री होने की सानू लोड़ को नहीं के तू साडे ना एग्री होवेगा तो फिर ही गल सची होनी यार चुप कर जो भाई यार तुसी थले बह जाओ यार मेहरबानी यार है मेरे रंग च पंग साडा मौजू ही नहीं है एवं धक्के नाल ही आके हुथला देंदे हो तुसी गल कोई होर हुंदी है असीं कादियानियां दे बारे गल करने आ पे तुहानू काड़ी तुहाडे पेटां च क्यों दर्दां हुंदियां ने पियां पीड़ां क्यों उठदियां ने पियां जी कादियानियां दा रद्द असीं करने आ पे ना करो जी ना करो जी फितना वधदा है जी वधदा ते वधन दिओ तुहानू की कहिंदा पिया फितना वधदा पिया तुसी खत्म करो ना जाके की तरीका तुहाडे को करो खत्म तुसी उते सिर्फ फलसफे पेश करन वास्ते ही हो बस वेले बह के फलसफी वेले फलसफी किधर ना होंदे होर किसे नूं चको यार काल ते इंज दे फलासफरां नूं ना चुकिया करो यार शायद भाई एवें पता नहीं किथे बह के सोचदे रहिंदे ने भरिया सिगरट पी लैंदे ने ते बाद च शुरू हो जांदे ने हद हो गई है इन्हों को नमाज ही पुछ लो ना नमाज इन्हों आंदी कौन जे सब तू पहला सवाल ही कर लिया कर नमाज रहा सुना ना यार जी तू पांच टाइम अल्लाह ने तेरे से फर्ज की थी वो आंदी है कि नहीं एवं आटा गुंदी हिलती क्यों है भाई जी कमर साहब की है जी जी सब भाई साहब जी वालेकुम सलाम जी अच्छा मुफ्ती साहब एक आजिजाना सवाल है मैं काम करना इत्थे एक ऑफिस दे विच ते मेरे को तकरीबन 100 तो ज़्यादा इंप्लाई काम करते हैं उन्होंने इंप्लाई दे विच एक मेरे को कादियानी काम करता है ठीक है वो मेरे अंडर च यानी काम करता है ते मैं की कर सकना वा क्योंकि मैनू किसी ने कहा है कि तू जरा कमा रहा वै या उन्हें दे रहा वै तू भी हराम खाना पिया वै तो है ही यानी कि काफर है मैं की कर सकना कोई राय दे दो इस बारे की कर सकते हो मैनू नहीं पता हूं तुसी की कर दे हो केड़ा काम कर दे हो मैं एयरपोर्ट च काम करना वा तो मेरे अंडर काम करता है वो कादियानी करन ते उस तुहानू की कहंदा है बस ओ च कोई मसला तो नहीं होएगा यानी कि मेरे मैनू नहीं पता अल्लाह ही जानदा वे है ते अल्लाह नु पता वे ना तुहानू अल्लाह ने सजा देनी है या जजा देनी है बहरहाल बज़ाहिर इहदे च कुछ नज़र ते नहीं ऐसा हुंदा पिया काम करन दिओ अपना उहनू ध्यान नाल तुसी अपना करो अपना करे सही क्योंकि मैं किसी ने आख्या से ना कि यार वो काफर है तो काफरां दे नाल काम नहीं करना चाहिए मैं कि यार ए हिसाब ना वेखे जाए तो साड़ी सारी कंपनी काफरां दे अंडर जिन्हां दे कोल काम करने पे असीं ते अच्छा एक दूसरा मेरा क्वेश्चन छोटा जा जे माइंड ना करो ते
एक दफा मैं ना उन्हें डिस्कस की थी ते उन्होंने साढ़े तो इतराज़ बहुत है। मैं उन्होंने कहा कि यार तुसी ना साढ़े यानी कि एहतराम नहीं करते साढ़े बंदियां दा, यानी कि तुसी तुहानू काफर डिकलेयर करता है ना, तो वह कहिंदा है कि असल दे विच तुसी काफर हो। मैं कहा सा किदा, कहिंदा है कि तुसी कहिंदे हो कि एक मुसलमान नूं जिहड़ा मुसलमान हुंदा है उहनूं काफर कहो तो वह काफर होवे ना होवे तुसी 100% हो जाते हो जे वह ना होवे ते, ठीक है। तो मैं क्या फिर तुम क्यों काफर नहीं कह सकते किदा असं तुम्हें काफर नहीं कह सकते, कहने तुम काफर किनू कहते हो। मैं दस्या कि मैं जनाब असं काफर उसी कहने कि जरा अल्लाह तो अल्लाह के नबी तो ईमान नहीं लिया जरा कलमा नहीं पढ़ता। उन्हें जनाब कलमा भी पढ़ लिया तो उन्हें ईमान भी लै आता है। तो मैं क्या अच्छा तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी समझना है, वह कहता हाँ मैं समझना वा। तो मैं क्या फिर वो यानी कि दर्जा तो नहीं देता अपने कादियां ने उन्होंने का, वह कहता उन्हें तो एक हज़ार वारी लाना तो जरा इस बारे सोचता है। ये की मामला है, मनु इस चीज ने कंफ्यूज कर छड़ा उन्हें जी गल की। तुहानू कादियानियां दे बारे इलम है वे? मैं इलम नहीं है लेकिन मैं कुछ ते जदों तुहानू मेरे भाई इलम नहीं सी ते तुसी फिर क्यों कादियानी नाल गुफ्तगू शुरू कीती? गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं जस्ट इंफॉर्मेशन वास्ते ओही ते मैं कह रहा हूं। ओ भाई इंफॉर्मेशन तुसी की काम करदे हो? मैं दसिया जनाब मैं एयरपोर्ट च काम कर रहा हूं। एयरपोर्ट मेनू एयरपोर्ट दे बारे कोई खबर ही कोई नहीं है। हाँ मैं जहाजा दे उत्ते सवार जरूर होया वा, बस उतों जाइदा वे उतों सब तो पहले बोर्डिंग होंदी है, बोर्डिंग तो बाद वेटिंग च जाइदा, उतों बाद ऐलान हो जांदा है जहाज ते आर जे उत्ते जा के अंदर बह जाइदा ते अगे जा के उतर जाइदा। इन्ना को पता है मैनू, हुण मैनू जो नहीं पता अंदर दे मामला दा एयरपोर्ट दा की प्रोसीजर है की मामला, मैं क्यों हुथला दियां तुहाडे काम दे विच कि इंज करो ते इंज ना करो, इंज करो ते इंज ना करो। दसो कोई बंदा है, कोई तुक बंदा है मेरा मेरा सवाल करन दा तुहाडे नाल? बिल्कुल तुहाडी फील नहीं तुसी भाई, तुहाडा इलम नहीं जदों कादियानियां दे बारे तुसी क्यों कादियानी दे नाल डिस्कस कीती? हांजी ए ते गल मैं तुहाडी गल नूं बजा समझना वा। मुसलमान कहते ने गलत उन्हें झूठ बोलिया, जे तुहाडे इलम च हुंदा ते तुसी उस टाइम उहदा मूंह ठप करना सी हवाले दे के। खोलो किताब कादियानियां दी अनवारुल उलूम जिल्द जड़ी ये ओ त्री ये सफ़ा 148 ये अनवारे खिलाफत रिसाला है केंदा वे पिया कादियानियां दा खलीफा के हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझे। तुहानू गैर अहमदी कहते जे गल जेन च रख्या जे कि मुसलमाना नू यानी ओ मुसलमान के जड़े मिर्जे कादियानी नहीं मनते उन्होंने ये लोग गैर अहमदी कहते हैं। ईसाइयां नूं ऐ ईसाई कहिंदे ने, यहूदियां नूं यहूदी कहिंदे ने, काफरां नूं काफर यानी जिहड़े मुशरकीन ने, हिंदू ने हिंदुआं नूं हिंदू कहिंदे ने, लेकिन मुसलमानां नूं इन्हां ने नाम रखिया वे इक गैर अहमदी, ते ओह गैर अहमदियां नूं मुसलमान अंदर नहीं समझदे सी। और इनके पीछे नमाज ना पढ़ें क्योंकि हमारे नज़दीक वो खुदा ताला के एक नबी के मुनकिर हैं। ये दीन का मामला है, इसमें किसी का अपना इख्तियार नहीं कि कुछ कर सके। मैं तो ना एक हवाला काफ़ी है, मैं ये उत्ते तुहानू एक हवाला नहीं 10 हवाले दे सकना, 10 नहीं 20 हवाले दे सकना, वी नाल भी पेट ना भरिया तो मैं 50 हवाले दे सकना तुहानू कि कादियानी मुसलमाना नू काफर कहिंदे ने, काफर कहिंदे ने। इन्हां दे पिछे आंदे ने नमाज ना पढ़ो, इन्हां नू काफर समझना है तुसां। हाँ जी अगली गल है जी कलमा उन्हें पढ़ के, मैं उन्हें क्या कलमा पढ़ के सुना तो उन्हें कलमा, तुसां क्यों कहा जी कलमा पढ़ के सुना? कलमा दे अज यहूदी भी पढ़ते ने पे, ईसाई भी उन्होंने भी कबूगू भी पढ़ के सुना देगा, हिंदू भी पढ़ के सुनाते ने, एथीएस दैरिए भी पढ़ पढ़ के कलमे सुनाते ने। कलमा की शै वे है? कलमा तो कोई भी पढ़ लिया, लफ्ज ही ने ना, वो लफ्ज ने, लफ्ज जेड़ा मर्जी तो हरा लवे, हर बंदा आजाद है। रही बात कुरान पढ़न की, कुरान भी वो लफ्ज ने, लफ्ज जेड़ा मर्जी पढ़ ले, तो जेड़ा हुण तुहानू कुरान पढ़ के सुनाएगा तो लिहाजा वह मुसलमान है, है? जिहड़ा कलमा पढ़ के सुनाएगा वो क्या मुसलमान हो गया? वो तो लफ्ज ने,
आजिज ने पूरी किताब लिखी है कादियानी कलमा, वो कलमा पढ़ते ने लेकिन कलमे दे विच लफ्ज़े मुहम्मद तो मुराद मिर्जे कादियानी खंजीर नू लेंदे ने, उन्होंने मिर्जा खंजीर है ना जेड़ा ओ वे मुहम्मद ते कुरान जेड़ा वे कुरान मिर्जे खंजीर दे उत्ते नाज़िल होया। तुहानू हुण जदों नहीं सी पता ते तुसीं क्यों पंगा लिया जी? जेड़े पिंड नहीं जाना उस पिंड राह जाण दा फायदा, या तो थोड़े को पूरा इलम होए नॉलेज होए तो तुम जरूर इन्हों गुफ्तगु करो भाई। तुम इतने टिकटाक के उत्ते 4U के उत्ते बड़िया ब्राडा चल रही होंगे ने लाइव, क्या हर ब्राड से जाके शिरकत कर लोगे? इतने एस एथीएस बैठे ने, दहरीए बैठे ने, मुनकरीने हदीस बैठे ने, कुरानिस्ट बैठे ने, इतने ईसाई यूदी बैठे ने, इतने इस्लाम मुखालफ तरह तरह के लोग बैठे ने। जो थोड़ा एक मसले से कमांड हासिल नहीं है, तुम क्यों वे शिरकत की? क्यों जाते हो तुम भाई? जो मालूमात ही नहीं तो क्यों मतलब हुथल लैन की कोई तुक नहीं बनता? हूँ साढ़े मुजाहिदीन ने खत्मे नबूत दियां भी कैटागरियां ने, बाद मुजाहिदीन ने खत्मे नबूत ने कि जिन्होंने सिर्फ 2% हवाला जात पता ने, वह सिर्फ 2% ही गुफ्तगु कर सकते हैं। जिन्होंने 5% हवाला जात पता ने तो उत्ते कमांड हासिल है पूरी, वह गुफ्तगु कर सकते हैं। बाद 10% बाद 20% एंजी बाद ऐसे ने और वह बहुत घट ने कि जे 100% दुनिया के किसी मौजू से भी कादियानी के नाल गुफ्तगु कर सकते हैं, वह बहुत घट ने। 100% के मैं अपने आप को भी नहीं समझता, मेरे को भी इलम कोई होएगा कोई 50% होएगा। ते भाई जो ना हो एक मौजू के उत्ते गिरफ्त ना हो तो उन्होंने हाथ ही ना लाओ फिर, जिदे उत्ते पूरी गिरफ्त तुहानू आवे ना कि मैं ये चारों शाने चित कर देंगा तो फिर ठीक है, फिर जुड़ जाओ। फिर मैं गल कंप्लीट कर ली सॉरी एक सवाल थोड़े को पूछ सकना, तुम क्या थोड़े को 50% सारे थोड़ा बहुत व्डा पाने माशाला तो थोड़े को बहुत इलम है तो थोड़े नज़दीक 100% किए को कि ऐसे लकी भरा मेरे इलम च नहीं जी थोड़े इलम च नहीं। अच्छा मैं समझा शायद तुम अमर भाई का नाम लोगे, चलो कोई नहीं जी दाखला। अच्छा मुफ्ती साहब छोटा जहा ना एक हवा और हवाला दे दौ दिल में तसली वास्ते, इतने कि किताब च ने लिखा से अपने मिर्जा कादियानी कि तू मैं नबी हाँ। अच्छा एक मिनट जरा ठहर जाओ जी, देखो किड्डी वड्डी है शरारत शरार शरीर आदमी नहीं है, समझ गया यार। एक मिनट तू माइक म्यूट करी जरा, तू माइक म्यूट करी जरा, माइक तेरी मैं जरा थोड़ी धुआई कर दिया तो उस तो बाद अगली गल करने असी। देखो किड्डा वड्डा शरीर आदमी नहीं, जान बुझ के हुथल के मैं तो समझा सी तुसी है ना आमिर भाई नू, ओए आमिर भाई साढ़े बुजुर्ग आदमी ने बड़ा इलम है उन्होंने कोल, तो फिर ज़ियार सूल भी है वे बहुत वड्डा शरीर आदमी है तू, असल च तेरा काम है फितना और फसाद फैलाना ते लड़ाइयां करवानियां, तू बंदा ही इंज दे। चंगा कीता मैं समझ गया मुफ्ती साहब, बेअदबी दी ना बू आंदी है ये, बस ना कह लो कि जाहिल किस्म दा मुफ्ती साहब है जी। ओए जाहिल नहीं, जान बुझ के इंज दे ड्रामे करदा ताकि इना मुजाहिदीन खत्मे नबूत दे विच आपस च निफाक पैदा होए, जान बुझ के अजगे इंज उथला लेगा शरीर आदमी जी। अच्छा जी ये कोई नवे भाई उत्ते बैठे रहे या फिर किसी ने चुक लो थले मॉडरेटर ए ओ जड़े सवाल करने वाले सन ओ टर गए ने खुद गए ने किसी ने लाए है ने मेरे हां ना वो खुद गए ने, अगर तो वो नीचे बैठे हुए तो आ जाए कॉल पे। वो कह रहे मुफ्ती साहब के मुफ्ती साहब बहुत आज गुस्से में है तो मैं नीचे आ गया हूं, नहीं आप ऊपर आ जाए सवाल करें
लेकिन ये आपकी इसलाह के लिए मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, आपको भी इस मामले की हसासियत का नहीं पता है तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये कितना सीरियस मैटर है। तरीका कर रहा होंदा वे कि अगर एक पैनल च तुसी बैठे हो, एक लाइव च बैठे हो ते गुफ्तगु कोई कादियानी नजर आ जांदा, हुन हर बंदे दा दिल करना मैं जल्दी जल्दी इहदे नाल गल करां, इहदा तरीका कर रहा होंदा कि भाई तुहानूं अगर नहीं इलम ते अपने नाल वड्डे इलम वाले नूं अगे कर दिओ, भाई इह बंदा जिहड़ा गल करेगा फिर पिछे हो जाओ, फौरी तौर ते पिछे हो जाओ, इह तरीका कार होंदा। हुण हर बंदा ही मतलब तेनू अल्लाह दे बंदे जो पता ही नहीं उस मामले का, तू क्यों उहदे नाल गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं? ते थोड़ा जिहा अपने दोस्त भी जिहड़ा या भाई इलम हासिल करो ना, फिर हर बंदा आजाद है, इलम किसी की जागीर नहीं है, फिर इलम हासिल करो फिर। हाँ फिर ठीक है, अगर तुहानू उस मसले दे उत्ते पूरी कमांड हासिल है करो गुफ्तगू, फिर किन्ने रोकिया किन्ने में करो, लेकिन बन पा के रख दियो फिर जिधरों आए ना इतराज लैके तो जवाब तुहाडे कोल होना चाहिए, उस टाइम उन्हें फड़ लो। हुण बसा औकात इंज हो जाए कई बराडा के उत्ते मैं मौजूद हाँ तो एक कादियानी ना गुफ्तगु एक बंदे नाल हो रही है तो मैनू पता वे कि मेरे नाल अगर है गुफ्तगु है ना तो मैं इनू हुणे ही ऐसियां पुठियां सिद्धियां चपेड़ां मारा तो हुणे ही इनू मैं जलील कर देना इत्थे, लेकिन वह बंदा मैनू वेख भी लैंदा है जान बुझ के गुफ्तगु दे नाल जारी रखदा है, मैं फिर चुप करके सुनता रहना कि कोई नहीं ठीक है कोई गल नहीं, लेकिन मैं ना पिछे बह के मैं गुस्सा आ रहा है क्या करदा की है पिया वेख लो, जे तेनू नहीं जू पता मामले का तू वाला फिर कदम एक पिछे हटा लै, कोई मसला नहीं तू मरते नहीं जाएगा, बस इंज के मामले होंगे ने की किया जाए यार है। ऐसे ऐसे दुखों असी जड़ा जामिया खत्मे नबूवत बना रहे हैं, इंशाला असी अपनी टीम तैयार करांगे, इंशाला तकाबले अध्ययन और मजाहब दे उत्ते टीम तैयार करांगे, साड़ी अपनी टीम होएगी इंशाला तला झस आ जाएगी अल्लाह दे हुक्म दे नाल। तैमूर जी हजूर वेख लो जामिया दे बारे कोई मुसबत अजे तक जवाब नहीं आया यार तैमूर। जी हजूर वाला शाह इंशाला तला मैं थोड़ी देरी हुई है तो इंशाला बड़े पॉजिटिव रिजल्ट इंशाला तला बहुत जल्दी आ जाएंगे। सारे अपने दोस्तों नू जरा कट्ठियां करके अपनी जुबान च समझा के ते आप ही जरा कोई कदम बधाओ यार, अजे तक कोई भी नहीं तुहाडी पूरी टीम दे विचों कोई बंदा भी सामने नहीं आया अजे तक। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। बहुत जल्द। वालेकुम सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब एक दो दिन अभी मैं तुहाडे नाल वादा किया सी 25 दिन का, मैनू एक दो दिन इंशाला मैं अपना हिस्सा तुहानू भेज के तुहानू रसीद भेज देंगा। जजाक अल्लाह जी जजाक अल्लाह साहेबान, अल्लाह तुहानू बरकतां देगा बड़ियां बरकतां देगा, जामिया बनवाओ यार जामिया बनवाओ जामिया बनवाओ, सारे दोस्त मिल के जामिया बनवाओ भाई, ते हजे ते यकीन मनो सिर्फ जगह नहीं लै पा रहे असी ते दो कनाल जगह खरीदनी है ते उहदा ही अजे बड़ी टेंशन लगी है कि यार जगह होएगी ते अगू तमीरा तो होनगियां ना, तमीरा तो आसान होंदियां ने कोई मुश्किल नहीं हुंदा, यकीन जानो एन जी असी जो जगह ले लैनी है ना एन जी बहना करने रात नूं ते जेड़ी चीज़ की लोड़ होनी करनी है तो असी एक ऐलान करना तो इंशाला कोई ना कोई किसी ना किसी दे दिल दे विच अल्लाह पा दे करेगा तो वह सानू चीज़ मिल जानी करनी है कोई मसला नहीं, एन जी इमारत बन जानी है, अजे रौला सिर्फ जगह दे, जगह पहला इशू है साडा, वह होनी है तो अगों काम टुरना है ते भाई अगे गेम साड़ी बड़ी वड्डी है छोटी नहीं है, तो साढ़े नाल टुरो मेहरबानी करो थोड़ा जा एक करी हल्ला बोलो यार, सारे वेखो मेरे अपने बड़े प्यारे दोस्त ने मैं कहता ही नहीं है उन्होंने कि उन्होंने इज्जत नफ्स का भी मसला होएगा चंगा नहीं लगता ते, लेकिन खुद भी दोस्त सुन लेंदे ने पैगाम भी पहुँच चुकया है लेकिन कोई टस तू मस नहीं होंगे पे और
या मतलब यकीन मनो कि इंज भी हो जाए, चलो मैं गल कर देना वा ते मैं महसूस करदा जे वैसे मैं तुहानू दस दिया ते जिदे कोल उम्मीद हुंदी ना मैनू कि यार है कोई 10 लाख 15 लाख रुपया हिस्सा पाएगा ते ओ बंदिया दा मैसेज आंदा ए 10,000 रुपया शाह जी मैं भेजिया जे शाह जी कबूल फरमाया जे। चलो जी ते कल दी ही गल ए ते बंदे कोलो मैनू बड़ी उम्मीद सी ते उन्हें पता नहीं जां ते मैनू छेड़न वास्ते या अल्लाह ही जानते मैं ते नहीं हूं वल्ला हुआ 1,000 रुपया उन्हें मेरे जायज कैश ते भेज के रसीद भेजी ना ते शाह जी दुआ करना मेरे वास्ते मैं हिस्सा जामिया दे विच पा रहा मैं कहा जी अल्लाह तुहानू जजा देवे जी अल्लाह तुहानू रिज़्क़े लालच बरकतां ता फरमाए इंज दे भी मसले ने मेरे नाल भाई की कर सकने दसो किसी ना कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं कोई कुछ नहीं असी कुछ भी नहीं कर सकते बस एक पैगाम ऑनलाइन दे सकने हैं बस इन्ना को कर सकने होए ना होए उदा की कर सकते फिर कई ऐसे भी साढ़े कोल केसिस आए ने ओ असल च ना शाह जी वेखो ना जिया रसूल भाई ने भी ओ एक मस्जिद बना रहे ने ते शाह जी फिर उधर भी कुछ असी कर रहे हैं ते शाह जी फिर अच्छा हुन मेनू ते हर चीज की खबर है ना उन्हें उधर भी हिस्सा नहीं लिया हुंदा यार सानू समझते रहे सी बिलकुल काके मजूरे और बिलकुल असी सानू बेखबर जे लोग हाँ है सानू पता ही कख नहीं है ना मैं फिर मुस्कुरा दिना अगू मैं कह चलो कोई नहीं खैर मेरे ठीक है ना उधर ते ना उधर कुछ किधरे भी नहीं बस इंज दे मामलात ने की कर सकने यार तैमूर जी जी हाँ जरूर अच्छा सही क्या है कि गलत क्या है बिल्कुल बिल्कुल सही गलत आ रही है अच्छा हुण नवे नवे दोस्त आंदे ने मैनू भी डर लगता है अगलिया बंदे दा मजाज की है की जेन है हुण वेखो इत्थे नवे बंदे सारे बैठे जे सिर्फ मैं एक अद्धे नूं जानना वा तो बकाया ना लेनी है जे जान पहचान नहीं वह बंदा डर लगता है कहंदे ही किसी नूं के ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਮੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ जी जी मैं ना कोई भी बंदा हूँ ना कमेंट ना करे मैं नीचे कमेंट किया है मुफ्ती साहब का नंबर है 03-24-744-1814 इन इस नंबर के उपर वट्सएप है तुम जोड़ा भी मैसेज करना है बोल के मैसेज करना है और मुफ्ती साहब तुम अपने अकाउंट की सारी डिटेल दे देंगे तो अच्छा एक वाक्य मैं ना याद आ गया तो चलो मैं नाम लिया बगैर ही नाम लेना मैं कभी नहीं किसी का नाम ले तो थोड़े चु भी कोई ना बोले लो जी कंपेन चल रही सी ते गल हुई बंदे दा फोन आया हाँ जी शाह जी खुद ही कीता ना मैं क्या हाँ जी ओ तुसी सुनिया जामिया कोई बना रहे शाह जी किन्ना कु खर्चा है जगह दा मैं क्या जी 2 करोड़ रुपए दी जगह है सिर्फ मैं एकदम हैरान मैं क्या छो अल्लाह ही खैर करे ओ शाह जी इंज वे ओ अकाउंट भेजा जे जरा ठीक है जी लो जी अकाउंट जी आ जाते ने तुहानू शाह जी जनाब तकरीबन साल हो गया जे अज होंदे जे अच्छा जी ए 3-4-5 दिन होए ने शायद फिर मैसेज आया ओ शाह जी ए नाल ते थोड़ी जी हंसी भी सी ते ओ शाह जी असल दे विच ना भेज अपना अकाउंट भेजा जे मैं हिस्सा लेना चाह रहा शाह जी फिल वक्त मैं 50 भेज रहा वा मैं क्या अच्छा जी मैं वो सबका गल याद ना कराई मैं क्या एवं शर्मिंदा हो गए चंगा नहीं लगता 50 भेज रहा मैं क्या अच्छा जी ठीक है जी तो कल आ जाएंगे शाह जी थोड़े अकाउंट च आ जाएंगे अच्छा जी तो तकरीबन अज 5वां दिन जे शायद
ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਰਸੀਦ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ। ਬਸ ਰੋਲੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ। ਲਓ ਜੀ ਰੌਲਾ ਆਖਰ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ ਚਰਸੀਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖੀਏ। अच्छा जी, नीचे एक आईडी ऊपर बैठी है, जमील साहब के नीचे बैठी है, वो काफी देर से खामोश हैं, और ये कोई लेडीज हैं कोई भाई। जी, एक मिनट ठहरिएगा शायद भाई, माजरत के साथ, ये डोगर साहब आए हैं, मुफ्ती साहब सिस्टर एक मिनट आप म्यूट लगाइएगा, ये डोगर साहब आए हैं, कहते हैं कि इनको मुफ्ती साहब को किसी कादियानी के सामने बिठाएं, अभी पता चल जाएगा, तो ये डोगर साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी डोगर साहब, तैमूर तुसी ये गल करो, सबसे पहले मैं 2 मिनट बात करूंगा, मेरी बात टोकिएगा कोई नहीं, किसी अच्छा। की दिलाजारी हो तो पहले माजरा करता हूँ, मैं इधर रहता हूँ स्वीडन में, ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं पता चलता कादियानी कौन है और मुसलमान कौन है, अब आपको बात बताने लगा हूं। मेरा दोस्त है वो गाड़ी वाले के पास, उसने काम शुरू किया है, ना मुझे पता ना उसे पता, उसे पता चल गया वो कादियानी है। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला, कहता हम, उसने मुझे बताया कि हम कादियानी है, हम इधर मस्जिद है छोटी सी तुर्कों की, उधर नमाज पढ़ने जाते हैं, तो वो लड़का ना नमाज पढ़ने आया, तो बैठा बैठा उसने मुझसे बहस शुरू कर दी, कहता हम कादियानी है, मैंने कहा तो, कहता है तुम्हें पता है मैं इधर, मैंने कहा भाई तू इधर नमाज क्यों पढ़ने आया, कहता मैं मुसलमान हूँ, मैंने कहा तुम लोग मुसलमान नहीं हो। मेरे से वो बहस करना शुरू हुआ, बहस करने से पहले मैंने सिर्फ उसे एक ही बात कही, मैंने उसे सिर्फ यही कहा कि मुसलमान और अल्लाह ताला के नबी के से जो आखिरी नबी है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उससे आगे कोई नबी नहीं है, तुम किसी को मानो या ना मानो, मैं तुम्हें कहा ना तुम मुसलमान मत, तुम इधर, मैंने कहा 100 बार माथा रगड़ो तुम मुसलमान नहीं हो। बंदा गर्म हो गया, बहस हो गया, मुझे कहता है तुम्हारी किताबों से हवा, मैंने कहा मुझे हवाले ना दो, एक कॉमन सी बात है, एक बच्चे बच्चे को पता है, मैंने कहा तुम पेचीदा में जाते हो, बातों को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हो। उसने जो ये जो हमारे कुछ किताबों का जिक्र किया, उसमें से कुछ मिशकात शरीफ हैं, कुछ वो हैं, उन्होंने शेख अब्दुल कादर जिलानी उनके, उन्होंने कहा जी आपके जो वो उम्मती नबी हैं जी उनकी इतनी करामात है तो इनकी अहमद की क्यों नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास सवाए बुखारी से और को अडमजीत के अलावा किसी और किताब को लेके आके डिस्कस करना है, मैं किसी किताब को नहीं मानता, कुरान मजीद को सामने लाना है तुम ले आओ। कहता जी कुरान मजीद आपका चेंज है, मैंने कहा तुम बता दो कौन सी आयत चेंज है। यहाँ पर मैथमेटिकली यहाँ पे जो जो ये लोग हैं ना शाम के तुर्क के, ये सिर्फ कुरान मजीद के तर्जमे पर गौर नहीं करते, मैं हापारंदा में हूँ, वो यहाँ पर कुरान मजीद का जब तर्जमा करते हैं ना, यहाँ पे अरबिक लोग बाकायदा पढ़े लिखे हैं, उनका हवाला लेते। मैंने उस बंदे को यही कहा, मैंने कहा तुम्हें बहुत लगता है ना कि तुम्हारा जो मिर्जा है जो भी है वो वली है या जो भी तुम उसको मानते हो, ये मैंने कहा बंदा बैठा है तुम्हें अंग्रेजी आती है, इस बंदे से बैठ के इसको अरबिक में कुरान आता है, तुम इसको ये बता दो कि कुरान की कौन सी आयत गलत है। भाई वो बंदा जवाब नहीं दे सकता, मगर किन बातों का हवाला लेके आता है
जो हमारे उलमा ने किताबें लिखी हुई हैं उसमें से बातें निकालते हैं कि तुम्हारे आलिम ने ये लिखा है, तुम्हारे आलिम ने ये लिखा है। मैंने कहा मैं किसी आलिम की बात नहीं मानता। बुखारी शरीफ और कुरान मजीद इसमें से साथ, अच्छा हाँ वो लुलिया में होता है उसकी, उनका है लुलिया में ही है उनका गाड़ियों का शोरूम, मेरे पास है। फिर आप लुलिया में आपको ऐड करता हूँ, मिलूंगा किसी दिन जुमे की नमाज। अच्छा, यासिन भाई अच्छा मैं आपको ये बात बताता हूँ। अब मैं मुफ्ती साहब को क्यों अच्छा, कह रहा हूँ अच्छा सुने तो सही, सुने तो सही, कोई बात नहीं, आपने बात कर ली है, लेकिन आप थोड़ा सा हमें बताएंगे वो कौन सी किताब का हवाला दे रहा था कि जिससे आप खामोश हो गए और आपने कहा नहीं मैं खामोश नहीं हुआ। मैं एक बात बताऊं, मैं अगर इस्लाम को फॉलो कर रहा हूं ना, सबसे पहले तो कोशिश करता हूं कि जो हमारे जो उलमा हैं जो जिनका अच्छा नाम है उनको फॉलो करूं, क्योंकि यहां पर अंग्रेज भी हमसे सवाल जवाब करते हैं इस्लाम के बारे में ना, सिर्फ ये कादियानी नहीं। अब मैं नमाज पढ़ता हूँ अपने रेस्टोरेंट के बाहर, एक जगह बनी हुई है उधर पढ़ता हूँ, टाइम पे पढ़ता हूँ, मुझे कहते हैं तुम क्यों करते नहीं, वो नहीं बात, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, मुझे कादियानी नहीं, 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 मैं मुझे बाकी लोगों को जवाब देने के लिए ना। डोगर भाई मेरी बात तो सुने, मैं छोटी सी बात पूछी है कि उसने आपको कहा कि आपने शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह, हाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का उम्मती नबी बना रखा है, उम्मती नबी बना रखा है, किसने वो कहते हैं कि वो तुम्हारे जो शेख कादर साहब हैं वो बारात को जिंदा निकाल लेते हैं, उनकी करामात है। तो मसला क्या वो वली है, करामत से मसला है डोगर साहब? नहीं मुझे नहीं मसला, वो कहता कि आपके मौलवी हवाला दे ले ले यार की करना है पे हवाला ले आनो कोनो से हवाला था, कहता कि जो आपके जो शेख अब्दुल कादर जिलानी साहब है वो पानी पे नमाज पढ़ते थे। नहीं नहीं वो तो एक अलग बात है ना, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। तैमूर जेड़ी गल भी है करते ने पे हवाला लाया, तैमूर की करना है पे हवाला लेदा। मैं तो अंदाजा उन्होंने क्या है कि ओ जड़े सी बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग से, मैं कह हां अल्लाह ताला दे नहीं नहीं गल करने का मकसद डोगर साहब ये वे कि जनाब तानू उन्होंने केड़ी किताब तो रेफरेंस दिता सी, क्या फलानी किताब ओदे विच लिखी है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलमी जो छोकरा है वो भी कहानियां सुनांदा सारियां नू, छड्ड दो तुसीं वो भी कहानियां सारियां नू सुनांदा नहीं, वो मिर्जा दी गल नहीं मैं कर रहा, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਛੋਕਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਬੁਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਮਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੈਮੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਉਹਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੋ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਮਤਬੂਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਸੁਣੋ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਤਬੂਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ? 70 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤੋਂ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਟੈਪ ਨਾ ਰੋਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ, ਮੁਝੇ ਬਰਾਡ ਜੋ ਹੈ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। 72 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰ ਗੋਡ ਸੇਕ। ये भी चीज बार बार कहनी पड़ती है, शर्मिंदा होता हूँ यार मैं इन चीजों से। नहीं कर देते हैं डबल टैप। बात यह कि मैं कल को इसी टाइम आपको उसका हवाला निकाल के देता हूँ डोगर साहब। अच्छा बात सुने, एक शख्स के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पे यकीन कर ले। तो आपने अभी मुझे ना वो बहिश्ती जेवर की जो मतबूआ है वो भी बताना है और सफ़ा नंबर बताना है। अभी निकाल के हम चेक कर लेते हैं क्या लिखा है उसमें, उम्मती नबी का जिक्र है या नहीं है। नहीं, उसने कहा आपकी बहिश्ती जेवर जो है ना वो गलत है, आपके किसी आलम ने लिखी है। अच्छा चलो देख लेते हैं, अभी बताए सफ़ा नंबर बताए, मैं अभी बहिश्ती जेवर निकाल लूँ क्योंकि बात बात का मतलब है। मैं उसकी बात को सपोर्ट करता भी नहीं हूँ, और वैसे एक बात कर रहा हूँ जो वो कह रहा है, वो कह रहा है मेरी से बहस हुई है और वो मुझे हवाले उलमा की किताब से दे रहा था, और मैंने उसको ये जवाब दिया अगर तूने हवाला देना तो हदीस से दे, कुरान से दे, मैं उनकी उसको। हाँ ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था। जी जी एक मिनट डॉक्टर साहब, तुम डाउनलोड करो। खुजैमा साहब आप जरा म्यूट लगाएं, आपको भी मौका देते हैं, आप भी बात कीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन पहले हम हवाला तो ले लें ना इधर से। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਤਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਮੂਰ ਮੈਂ ਵੇਹਲਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਤਿਲਾਂ ਚ ਬੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਹਲਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੇਹਲਾ ਵਾਂ ਤੈਮੂਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜ ਜਾਵੇਂ ਅਗਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਜ਼ਾਇਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਹ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਆਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ PDF ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ। ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਭੈ ਜੀ, ਜੀ ਸਰਜਨ ਭਾਈ,
हाँ जी मुफ्ती साहब तुसी अपना व्हाट्सएप चेक कर लो, मैं तुहानू रसीद उत्थे सेंड कर दिती है। जी मैं चेक करना जनाब। आपने कुछ बात करनी है? हेलो अम्बरीन, मिस्टर अम्बरीन आपने कुछ बात करनी है? जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं सुन रही थी माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू, तो बस आके इधर बैठ के अच्छा लगा कि आपसे इधर बैठ के सुनना, नॉलेज होता है क्या कुछ हो रहा है। सज्जन भाई जजाकल्ला भाई जजाकल्ला, अल्लाह आपनु सलामतियां अता फरमाए, अल्लाह तेरों खुशियां अता फरमाए, अल्लाह करदे रहो सानू, अल्लाह अल्लाह रहे हिदायत ही रखे, गुमराह ना होने देवे बस। हाँ ईमान अंदा के ईमान सलामत रहना चाहिए ना वे के ईमान जरा ना थोड़ा टूट जाए। बिल्कुल ठीक डोगर साहब लब्बा जे भला कि नहीं? मैं किताब ही कढ़न दिया, मैं पढ़न दे जरा, कुछ भी नहीं लबना, लबेगा वाले साहब। चलो मैं भी इत्थे ही हां ते तुसी भी इत्थे ही हो ते हुण ही पता चल जांदा है गोत है मैदान। सही रूहानी खजाने कढ़ लो रूहानी नाले गल है वे के ओदे च लब के ओ लिया ना जे के तुहाडे ओ गोस पाक दी कोई पता नहीं करामत दा तुसा जिक्र कीता है ओ लबना जे होर ना कुछ लब के दे आज सानू। ਨਹੀਂ ਗੋਸ ਪਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜੇ? ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈਣੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਚਲੋ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਪਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਬਸ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰਾ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੈਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਕੀ ਵੋ ਪੁਖਤਾ ਖਿਆਲੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਰਹਿ ਗਈ ਰਸਮ ਅਜ਼ਾਂ ਰੂਹੇ ਬਿਲਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਫਲਸਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਲਕੀਨ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀ,
مسجد مرسا خواہ ہیں نمازی کے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی شور ہے ہوگے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمادن میں حانود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود تو یہ دیکھیں ہمارے آج کل حال ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم بنا آپ کے پہلے بھی ایک بھائی آیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس سے سوال کیے کیونکہ دیکھیں میں کہوں گا یہ بغیرت لوگ ہیں یہ قادیانی ان کو آپ بنا علم کے نہیں ہرا پائیں گے آپ کے ساتھ سامنے ایسا سوال رکھیں گے کہ آپ کے دونوں منہ اور دونوں طرف بدل جائیں گے یہ ایسے لوگ ہیں وہ آپ سے بنا علم کے بات نہیں کریں گے وہ اپنا جو ان کے پاس ہے وہ ضرور رکھتے ہیں اور بنا علم کے قادیانی بات نہیں کرتے کوئی قادیانی آج تک دیکھا ہے آپ نے جو علم سے بات کرتا ہو وہ کہتے ہیں نا جیسے کتے کی پونچھ کبھی سیدھ نہیں ہوتی کوئی ایک قادیانی اینی ون جس نے علمی گفتگو کی ہو کوئی آپ کے پاس ہے کوئی نہیں 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 میں نے کیونکہ میرا پالا پڑے نہیں ہے کبھی ان سے میں پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جب بات کریں گے علمی بات کریں گے جی وہ اپنے پاس ان کا جو ہوگا نا آپ کے ساتھ وہ دلائل سے بات کریں گے میں ان میں پڑھ کوئی نہ کوئی آپ کہہ رہے میرا پالا کبھی پڑھا نہیں پھر کہاں پہ دیکھا آپ نے میرے پیارے بھائی میرے پیارے بھائی آپ بڑے ہیں تو ذرا آپ بہت سختی سے بات کرتے ہیں میں چھوٹی سی بات کروں گا بھائی سختی سے نہیں میرا یہ اپنا ایک انداز تکلم ہے تو اس کو آپ سختی پر محمول کر رہے ہیں حد ہو گئی ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح علمی گفتگو کبھی کسی نے کی ہو تو بتائیے فلاں ان کا قادیانی مربی یا وہ علمی گفتگو کی ہے اس نے بتائیں کوئی ایک میری آپ کی کل پرسوں میں بات ہوئی تھی شاید آپ کو آپ سے میری ہوئی ہے نہیں یہ میٹر نہیں کرتا مجھے بتائیے کبھی کوئی قادیانی ایسا اینی ون کوئی لائیں کہ جو علمی گفتگو کرتا ہو کوئی ایک اچھا آپ سنیں گے وہ بندے کا نام بتانا ہے آپ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری ان سے کبھی بحث نہیں ہوئی اور نہ ایسے بندے سے میں بول نہ بھی گوارا کرتا ہوں جو میرے نبی پہ یقیناً ایمان نہ رکھتا ہو علمی گفتگو کرنے والا کوئی ایک قادیانی صاحب سن تو لیں آپ اللہ کے بندے بات دوسرے نام بتاتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگتا نام بتا کے سائڈ پہ جائیں جی. جا رہا ہوں اب میری بات کو بیچ میں لے کے پھر وہ اٹھا کے پیچھے مار دیتے ہیں کوئی نام ایسا بتانا ہے آپ نے جو قادیانیوں میں علمی گفتگو کرتا ہو اب سنیں نا تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں میں نے آج تک ان سے نہ میرا پلا پڑا اور نہ میں ان کوئی ایک ایسا قادیانی جو علمی گفتگو کرتا ہو آپ نے کلیم یہ کیا ہے کہ یہ جب بات کریں گے علمی کریں گے تو وہ کوئی ایک بندہ بتائیں اچھا سن لیں پھر میں میری بات سنیے گا بیچ میں آپ ٹوکیں گے نہیں میرے بندے کا نام بتانا ہے آپ نے کوئی اور کہانی نہیں سنانی کہانی نا اویلے ٹائم سنیں گے آپ سے انشاءاللہ میرے پاس کسی کا نام نہیں ہے میں جو آپ کو دو تین پھر آپ نے کیسے کلیم کر دیا کہ یہ جب بات کرتے ہیں تو علمی کرتی ہیں کیسے مفتی صاحب اپنی برائے مہربانی اگر آپ اسلام کرتے ہیں تو نبی جیسی زبان بھی اختیار کیجیے میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں نکالی محترم میرا شیوا ہی نہیں ہے گالیاں نکالنا میرے نبی نے جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ نے پھر کیسے یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے کہ بھائی قادیانی جب بات کرتے ہیں علمی بات کرتے ہیں اور کوئی ایک بندہ آپ پیش نہیں کر سکے آپ سنیں گے آپ نے جھوٹ کیوں بولا پہلے تو اس جھوٹ کی معذرت کریں گے آپ پہلے اس جھوٹ کی معذرت کریں گے آپ اگلی بات بعد میں کریں گے آپ صاحب اگلے بندے کی غلطی سن لو آپ کی ابھی میں نے کوئی بھی بات نہیں سننی تو تھلے بیجا میرا ویر میں نے یہ بات کی کہ یہ بغیرت لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا سوال ایسا نکتہ دیتے ہیں کہ جو بندہ علم والا ہمارا نہیں ہے نا وہ پھنس جاتا ہے کوئی ایک بندہ بتائیے بندہ بتا نہیں رہے آپ کہہ رہے نہیں ہے میرے پاس کیوں آپ نے یہ بات کر دی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ خاموشی سے سنیے مائک میوٹ کریے گا خزیمہ صاحب مجھے عاجز کو کوئی 25 سال ہو گئے ہیں محترم راؤنڈ بورڈ اس سے زیادہ ہی ہو گیا کم نہیں سوشل میڈیا کے اوپر میں عاجز یہی قادیانیوں کے ساتھ ہی ہم الجھتے رہتے ہیں
आज तक इनका खलीफा मसरूर से मेरी बात हो चुकी है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, जाके देखिए डिबेट। इनका सबसे बड़ा एक मुफ्ती है, उसका वो मेरा हम नाम है, मुफ्ती मुबशर कालू रबुबे का, जो एमटीए चैनल उस पर उसके साथ मेरी डिबेट हो चुकी है। इनका मिशनरी मुरब्बी है अंसर रजा, जो अहमदिया रेडियो के ऊपर बैठता है, उसके साथ मेरा मुनाजरा हो चुका है। और बड़े इत्तफाक की बात है कि वो अहमदिया रेडियो कैनेडा से लॉन्च करता है, तो एक गली के अंदर इनका रेडियो सेंटर है, तो दूसरी गली के अंदर हमारा रेडियो सेंटर था। अनवारे खत्मे नबूत नाम का मैं रेडियो के ऊपर प्रोग्राम करता था, तकरीबन 2 साल तक मैंने प्रोग्राम किए। एक दिन ये आता था अंसर रजा, तो दूसरे दिन मैं आता था अपने चैनल पर रेडियो पर। तो बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट चली है हमारी। तो ये मैं बड़े बड़े नाम बता रहा हूं, 3 नाम है इनके बड़े, मिर्जा मसरूर, मुबशर कालू, अंसर रजा मुरबी। बकाया तो ये सारे कादियानी तो बिल्कुल इन बेचारे फारग ही है ना, बिल्कुल फारग। अगर जिनको खिलाड़ी समझा जाता है, ये 3 है, तो इन 3 के पास कोई जवाब नहीं है आज तक, कोई हमने नहीं देखा कि कोई इल्मी गुफ्तगू की हो। मैं इन 3 की बात कर रहा हूं। तो आप कह रहे हैं जी जब बात करते हैं इल्मी करते हैं, ये आप तासुर क्या दे रहे हैं भाई लोगों को कि बड़ा कोई इलम होता है, बड़ी कोई ऐसी बात करते हैं, बड़ी कोई ऐसी कि लाजवाब कर देते हैं, आज तक हमने तो नहीं कोई देखा कादियानी, और आज तक कोई मुसलमान मैंने नहीं देखा खुदा की कसम कि कोई मुसलमान लाजवाब हुआ हो। आप कैसी बातें हमें सुना रहे हैं मेरे भाई? चले अब माइक ओपन करें और दें जवाब। मैंने जिस बात में ये बात की है ना कि ये बगैरत लोग एक आम से जैसे मुझे है जिसके पास इल्म नहीं है, मेरे 4 दोस्त थे जिनके साथ इनकी बहस हुई, तो उन्होंने इनसे कुछ सवाल किए, मुझे सवाल याद नहीं, बहुत देर हो चुकी है, जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरी उनसे बात हुई थी, वो यहाँ यूके में होते हैं, तो इनको जवाब नहीं आए थे। मैंने इनसे ये बात की थी बगैर, तो अगर तुम लोगों के जवाब नहीं आते थे तुमने उनके साथ गुफ्तगू की क्यों, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें ये चीज कहाँ पे आपने बात क्यों की। मैं ये बात करता हूँ कि मैंने इस लिहाज से बात की, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े ये कोई आलिम फाजिल है या बड़े ये कुछ चीजें हैं, ये तो मेरे नबी के खाक पाँव के नीचे लगी खाक के ऊपर लगी खाक के बराबर भी नहीं है। तो मैं ये नहीं बात कर रहा, मैंने जिस लिहाज से बात की आपने समझी नहीं, वो पहले डोगर की बात की तरह आपने मुझे भी साथ ही फेंटी लगा दी। तो मैं ये बात की कि हमारे जो ना समझ होते हैं ना, जो मेरे जैसे हैं जिनको इलम का नहीं है, इस्लाम का सही तरीके सही माने में पता नहीं है, वो बहस छेड़ लेते हैं, पर उनका जो काम छोटे से छोटा भी है ना, वो कुछ इनके सामने ऐसा नुकता रखता है कि इनको फिर जवाब नहीं आता, ये फिर फंस जाते हैं। मैंने ये बात की है, आपने आगे से बल्ले बल्ले नहीं, आप खुजैमा साहब ये भी बात इतना भी नहीं है, मुसलमान हमारा चाहे कोई जानी चोर चक्का चर्ची मवाली मुसलमान ही क्यों ना हो, बिल्कुल ला इलम जाहिल किस्म के क्यों ना हो, यकीन मानिए अगर के वो आलिम नहीं होते लेकिन कादियानी से अगर कोई बात कर लेता है ना तो ऐसा फंसा देते हैं, वो पुठा कर करके मारता है कादियानियों को, आज तक मैंने कोई नहीं देखा फंसा हुआ। हाँ वो अलग बात है कि वो चूंकि आलिम तो होता नहीं है, एक जाहिल होता है, लेकिन उसको बात करनी तो नहीं चाहिए। वो तो मैं भी बसा औकात सरजनश करता ही रहता हूं ऐसे दोस्तों की, लेकिन नाम लिए बगैर करता हूं, मेरी अपनी एक आदत है। हालांकि मुझे बंदों के नाम भी पता होता है, सब कुछ पता होता है, वो किस बराड पर बैठे थे, क्या नीचे बैठ के मैं सुन रहा होता हूं। मैं खुदैमा साहब यही काम है मेरा आजिज का, मैं मॉनिटरिंग करता हूं, मुख्तलिफ मोबाइल रखे हैं, मेरी मुख्तलिफ आईडीज हैं, मैं राउंड करता ही रहता हूं। तो ये मतलब मैं देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है। तो गुजारा ये है कि बहरहाल ठीक है, एक जर्नली बात करना एक अलग होता है, एक कुल्ली हुक्म लगा देना एक अलग चीज है। आपने कुल्ली हुक्म लगाया था कि ये कादियानी ऐसे सवाल करते हैं जी मुसलमान को लाजवाब का, ये अब एक ऐसा तासुर है
मेरे भाई सुनने देखने वाले ये समझेंगे कादियानी बहुत बड़े कोई आलिम फाजिल होते हैं और बहुत मतलब होता है कि मुसलमानों के पास जवाब नहीं। आज तक नहीं देखा यार, ऐसा है ही नहीं। अगर ये गौर ये मैदान ऐसा कोई है तो अभी आ जाए। कोई कादियानी नीचे बैठ के सुन रहे हैं, टिप टिप कर रहे हैं, आओ भाई सामने आओ, आओ अभी बात करते। हमारे पैनल में से बैठे जिससे कहोगे तो तुम्हारी बात करवा देंगे, जाओ। इन सब के अंदर आलिम मैं ही हूँ, ये सारे गहरे आलिम है, दुनियादार तबका है। मुझे उस बंदे ने बोला था कि आपकी किताब गलत है, अभी किताब में से मैंने एक गलती पकड़ी है, मुझे उसका जवाब दे। मैं गलती नहीं, हम आपकी गलती के कोई पाबंद नहीं है, पाबंद है। आपने जो बात किया उसके अंदर लिखा हुआ है, उनकी करामात के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताए। आपको एक कलाम करामत ही बताने लगा हूँ, जरा पेज नंबर 379। अच्छा जी एक मिनट मैं खोल लू, जरा एक मिनट रोक के। कौन सी किताब बताई आपने? बहिश्ती जेवर 379 पेज। बहिश्ती जेवर और मतबुआ कौन सा है? 379। एक मिनट ठहरते जाओ यार, नेट के उत्ते मैं सर्च कर रहा हूँ। ऐ ते गालबन अशरफ अली थानवी साहब वाली किताब है ना, देवबंदी जेडे मौलवी साहब ने डोगर नहीं मरदा, डोगर मुसलमान अभी जी भाई जी बताए तो सही, इसका मतबुआ तो बताइए। 94 नंबर हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की एक मरीदनी का जिक्र। ओए कमेंटर यार, एक मिनट दा भी हुंदा है डोगर ते तुसी है ओ, अल्लाह तुहानू इकबाल नु बुलंद करे, लेकिन हुन डोगर इत्थे ना करो, दीगर डोगरां नु दलील कराओ। तुसी मैनू दसो मतबुआ इहदा दसो ताकि मैं हवाला कढां। ਭਾਜੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜੇ ਵਧਾ ਮਤਬੂਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੱਲੂ ਵੇ, ਲੱਲੂ ਲੰਗੂਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਡੋਗਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸਾਂ। ਇਹ ਨੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਰੀ ਸਖਤੀ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦਨੀ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਕੱਢੋ। ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਅਜ਼ਕਾਰ। हिस्सा तुहाडी किताब ते डिफरेंट है, डिफरेंट है। तुसीं क्यों नहीं मतबुआ दस्सिया मैनूं? क्यों गप्पा मार दियो पे मैना, मेरा दिमाग दी है किताब तुहाडे सामने खोली। हिस्सा हश्तम खोलो, तुसीं हिस्सा सोम खोलिया, हिस्सा हश्तम खोलो, हिस्सा हश्तम खोलो। ओ भाई मतबुआ दस दे डोगर, क्यों यार मैनूं मतबुआ दा नहीं पता, मतबुआ की चीज है? मैं यकीन जानू चुक चुक के बंदे नूं मारना हुंदा वा, मतबुआ दसो मैनूं। ओ मतबुआ कहंदे किनूं, इह तां दसो पहले गप्पा मार दियो पे तुसीं। इह मतबुआ वे, इह मकतबाल बुशरा मतबुआ है। मतबुआ की थले दसो, थले वेखो
ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਓਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਤਬੂਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਛਪੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਬੂਆ ਐ ਵੀ ਪਾਗਲ ਬਣਿਆ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਛਪੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜਾ ਮਤਬੂਆ ਦੱਸਿਆ ਤੌਸੀਫ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੌਸੀਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੌਸੀਫ ਬਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਤੌਸੀਫ ਇਹ ਤੌਸੀਫ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਇਓ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਸਫਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਰੀ ਸਖਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਨਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮਰੀਦਨੀ ਥੀ उनका लड़का मकतब में पढ़ता था उस्ताद ने किसी काम को भेजा और कहीं पानी में जा गिरा और डूब कर मर गया ठीक है जी उस्ताद को खबर हुई उसने हजरत सरी के पास जाकर खबर की कि आप उठकर उस मरीद ने के घर गए सबर की नसीहत की वो मरीद की कहने लगी कि हजरत आप ये सबर का मजमून क्यों फरमा रहे हैं उन्होंने कहा तेरा बेटा डूब कर मर गया तजब से कहने लगी मेरा बेटा उन्होंने फरमाया हाँ तेरा बेटा कहने लगी मेरा बेटा कभी डूबे नहीं और ये कहकर उस जगह पहुंची और जाकर बेटे का नाम पुकारा ऐ जारास उसने जवाब दिया कि अम्मा और पानी से जिंदा निकल कर चल आया हजरत सरी ने जुनेद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा ये क्या बात है उन्होंने फरमाया इस औरत का एक खास मुकाम और दर्जा है उस पर जो मुसीबत आने वाली होती है उसको खबर कर दी जाती है उसको खबर नहीं हुई थी इसलिए कहा कभी ऐसा नहीं हुआ अल्लाह के हर वली को दर्जा दर्जा मिलता है कोई ये ना समझे कि यह दर्जा ऐसे वली से बड़ा है जिसको पहले मालूम ना हो मुझ पर क्या गुजरने वाला है मैंने दसो पूरा वाक्य पूरा करो गुजरने वाला प्यार है कि जिसके साथ जो बर्ताव चाहे रखे मगर फिर भी बड़ी करामत है और इसकी बरकत इसी वजह से है कि खुदा और रसूल की ताबेदारी करे इसमें कोशिश करना चाहिए फिर अल्लाह चाहे तो यही दर्जा दे दे चाहे इससे भी बढ़ा दे अच्छा की ये चित्रास की है तुम ਐਤਰਾਜ ਕਰਾਮਤ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰਾਮਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਲਾ ਸਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਲਾ ਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਦਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤੇ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਨਾ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕੀ ਡੋਗਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਏ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੋਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਡੋਗਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨ ਕਰਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਿਓ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
मेरे बाद कोई करामत नहीं आएगी नहीं उन्होंने तो बहुत कुछ भी दरवाजा बंद हो गया है हजूर ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि जेडे मौजज़े वो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिते ठीक है ना करामत दे कोई बंदा जिंदा नहीं हुंदा ओ कि हजरत ईसा अलैहि सलाम दे नाल जाके मिल गए भाई कोई कुरान दी तुसा क्या कुरान च लिखे आवे केड़ी कुरान दी आयत लिखे दी गल की आ लिखे दी गल की आ मैनूं एदा एदा इक बंदा एदा जवाब तो मैं नमाज पढ़न लगा हूं ते ए बंदे नूं ना हिलन नहीं देना बंदा नहीं हिलदा मौलवी साहब मैनूं एदा जवाब दियो जी जी दूर अल्लाह शर इहनूं चुक चुक के मार नहीं जनाब तेनू ओने की हवाला दिता है तू पहले ए झूठ बोलिया है कि ओने मैनू क्या किताब पढ़ो ओने क्या किताब पढ़ो मेरी गल सुन एक दलील देनी है कुरान चो दे या हदीस चो दे कि करामत का दरवाजा बंद हो गया गल खत्म हो जाती है कुरान च हदीस करामत है ही नहीं डोगर साहब डोगर साहब डोगर साहब तुसी 2 मिनट विच 300 सफे पढ़ लेने किड्डे झूठे हो तुसी मैं झूठा नहीं मैं सफा नहीं पढ़िया मैं सिर्फ जिक्र लाया झूठ नहीं मैं बोल रहा किताब तुहाडे सामने है नहीं किताब तुहानू सामने है तुहानू तुहाडे कोल ते हवाला ए ही नहीं है झूठा बंदा जानदा तू ओ भाई जान अल्लाह दा नाम लो तुहाडे दिलां दे विच तुहानू पता है की सच ते की झूठ है सच नूं झूठ नहीं मिलदा ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਨੋਟ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਬਸ ਜਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਨੇ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਉਹਦੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਾਮਤ ਦੱਸ ਵੀਰੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਤਾਬ ਨੀ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਸਤਦਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਦ ਵੀਰੇ ਸਵਾਲ ਕੰਨ ਜਵਾਬ ਨੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸੁਣ ਲੈ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਜ਼ਾਮਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਸਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਹਿਰੀ ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਗੁਲਹਿਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ 'ਚ ਦਬੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਲਹਿਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਬੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀ ਹੈਲੋ ਤਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਝ ਪਛਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ
गुलेरी दे सिर सोटा मारिया सी बाद च गोए च डबोया सी ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਨਤ ਆ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਏ ਜੇ ਡਬੋਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਲੇ ਕਾਫਰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਮਦੀਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾ ਸੱਲਮ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਆਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਤਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डोगर गल सुन मेरी ए तेरे नाम दे नाल ए आर ना हो यकीन मन तू बंदा नहीं है मैं तेन हकीकत गल दसन नहीं तो पहले अपना जाके शीशा वेख शीशे वेख के गल कर साडे नाल करन की डया तू ठीक है ना सिर्फ अपने नाम किस वेले दी चपड़ 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 एना सर मार हुंदी है इना दी तो बंदा तू डोब ही है तो गल करन दा मकसद इना है तेनू तू जेड़ा इतराज लै के आया है उहदा हवाला सानू कुरान चो या हदीस चो दे दे अपनी गल खत्म हो जाती है उदों दी तू चपड़ 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 लाई पई है ना तेनू कोई गल का पता है ना कोई गल ना कोई बात कभी उस बंदे ते पाई जाना है कभी तू कुछ करी जाना है सीधी तरह सानू गल दस तेनू मर्ज की है कि तेनू भी कितने वो कुलंज जखीरे की दर्द तो नहीं उठन दी है जो उठन दी है तो सानू दस नहीं नहीं तमोर भाई छोड़ो समझ आ गई लोगों नू भाई ये इन्ने जोगी ने कि सीधा तरह आके अपने मजहब का दिफा भी नहीं कर सकते इधर उधरों फिर फुर के तो वो फलाने ने मनु ए कह दिता फलाने ने ए कह दिता किताब खोलीए ते किताब दा पहले ना नहीं फिर यह भी पता लग गया सर किन्ने लिखी है फिर यह भी पता लग गया कि 300 फलाने सफे ते फलानी शाह लिखी है उन जो है मैं कोई किताब पढ़ी नहीं हुण इहदा हक बनदा ए आर ला दे अपने नाम दे नाल वीरे जी गल पता की है किताब ओ बस कर डोगर हुण पता ते सब नु लग गया ठीक है ते हुण जेड़ा सीधा तेरा सवाल है ना अपने मजहब के मुताबिक वो कर करना है नहीं तो फजूल टाइम ना जाया कर शायद भाई इन्हें बोलन नहीं देना ठीक है अपने मजहब के हिसाब से तू मरजाई है ठीक है तू जो जवाब बनता हुआ साढ़े को देंगे मैं तेनों एक मिर्जा साहब की और करामत सिखा देना सुना देना उन्होंने को एक सोटा सी उन्होंने मरीज ने उन्होंने बना के दिता से उस सोटे को सप नहीं सी आता क्योंकि वह मिर्जा साहब का सोटा से दस है किवें हुंदा सी सोटा सोटे कोल सब क्यों नहीं सी हुंदा वो सोटा जिस पुराना हो जाता सी उन्हां दे मरीद लै जांदे सी घर ते जिस मरीद दे घर जांदा सी सोटा उस घर भी सप नहीं सी हुंदा अच्छा थले दस है किवें हुंदा तां कयामत वाले दिन एक मिंट पछाण लो भी सारे बंदे एक मिंट अक्सर कौन करदे हुंदे ने जरा देखो कयामत वाले ए वीरे तेनू मैं पुछदांगा अल्लाह भाई हूँ सारे दुआवां बदुआवां शुरू हो जाणियां ने बदुआवां अल्लाह तुहानूं लवे मार दिओ तुसीं कोई नहीं जो क्यामत तक तेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा ओ भाई असीं तू आख्या मैं मुसलमान असीं तैनूं गैर मुसलम नहीं कह रहे तैनूं मरजाई कह रहे हैं भाई वो सानूं लग गया पता तेरा जिहड़ा भी सवाल है आके कर मुफ्ती साहब ने कर तमूर भाई ने उत्ते कोई और इलम वाला बंदा बैठे उहदे नाल अपना जिहड़ा भी तेरा सवाल है कर तू एक और अच्छा अब्दुल्ला भाई मिर्जा मौजदा दा मुनकर सी ते लेकिन जादू दा कायल सी कहिंदा अमरुल तिरब दे नाल अगर पूरी ताकत लाई जावे ते मुर्दा जिंदा हो जांदा है इह की चक्कर सी अब्दुल्ला भाई सिर्फ फड़ना सी इस वास्ते तुहानू इन्ना मौका दिता है हालांकि इस गल दा जिहड़ी किताब तुसीं पढ़दे हो ना ठीक है इस किताब का एक सैकेंड उस्ताद मोहतरम दे
बैठिया बैठिया मैं तुहानू ऐसा जवाब दिया कि तुसी लाजवाब हो जाओगे। ठीक है, तो इस वास्ते मैं अपना मुँह क्यों नहीं खोलता क्योंकि उस्ताद मोहतरम बैठे देने जिहड़ी ये तुसी किताब पढ़ के तुहानू सुना रहे हो ना। ठीक है, मैं अल्ले लानी हाँ, मैं इस चीज़ का हलफ देना कि मेरा ईमान है वे कि कोई भी साढ़े मुफ्ती अकराम ने, ठीक है, जिहड़े भी उन्होंने फतवे दिते ने जिहड़े हक ते ने असीं उह मन्नने आ। ठीक है, जिहड़ी भी उन्होंने किताब दे विचों किताबां दे विचों हक लिखा ते असीं उह मन्नने आ, जिहड़ी गल नहीं मन्नन वाली उह नहीं मन्नदे। तो अंडरस्टैंड इहो गल दा जवाब। लेकिन जिहड़ी तू गल आ के पे करना सी ना, सिर्फ ते सिर्फ तैनूं इन्ना मौका तां दित्ता वे, ठीक है, सिर्फ ते सिर्फ तेनू जानने वास्ते कि तू है कौन सा, मर्ज केड़ी सी तेनू। जी गल करो, मैं सुनना पा। जी एक जाहल साहब आए ने, जैन गुजर साहब, इन्हां नाल गल करो शायद। अस्सलाम वालेकुम सब तो पहले ते सारे भरावां जी। वालेकुम सलाम, तुसी जे मर्ज़ी नहीं होंदे। जैन गुजर साहब अपना माइक अन म्यूट करो। ते जे तुसी कहो कि इत्थे साडे कोल जवाब नहीं है, ते जवाब अलहमदुलिल्ला जो तुसी पुछो असीं देण नूं जवाब तैयार हाँ। लेकिन जिहड़ी अब्दुल्ला भाई ने गल कीती है ना कि सानूं इन्ना टाइम लग्गिया, सिर्फ सानूं पहले ही पता सी कि तेरी रमज़ की है। ठीक है, लेकिन खोलना सी तेनूं सारिआं दे सामणे कि जिहड़े सवाल पै तूं करना ना, इह मुसलमान सवाल नहीं कर सकना। ठीक है, शायद भाई अगर इह ते अपने वल्लों सानूं तबलीग करन आया ना, यानी इंतिशार ते वसवसा डालन आया, ते इहनूं खुद सोचना चाहिदा कि मैं अगर मेरा मजहब सच्चा है, मेरा दीन सच्चा है, ते खुल के सामने मैं क्या झूठ 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 दे नाल अपने मजहब की तबलीग कर सकना। जिहड़ी मैं झूठ दे नाल अपने दीन की तबलीग करांगा वह तो फायदा की होगा, वह असर किसी ते की करेगी। एवें फेरा 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 ते ड्रामेबाजियां। सीधा जिहड़ा तुहाडा सवाल है आके करो, कुछ जवाब दंदा नहीं दंदा ते कार जाओ। ये खुजैमा साहब किस वेले दे लगे ने घुमाण, जिहड़े खुजैमा साहब तुहानूं दो सवाल तुहाडे दोस्तां ने दसे सी, वह सवाल ही दस दिओ सानूं, वह इलमी नुकते ही दस दिओ, कल नूं जां साडे अगे कोई कर पवे ते असीं ना। भाई मेरे प्यारे भाई बुला, मैं एक मेरे बंदा मरसई या कांजानी को ना के, अगर किसी ने चाहिए है ना मेरा बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड दियांगा। मैं कोई बंदा कादियानी या मरज़ई या इहो जिहा लफ़्ज़ ना इस्तेमाल करे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हाँ। अगर किसी नहीं होवे ना, नहीं नहीं मैं तुहानूं नहीं किया, मैं तुहानूं इह नहीं किया, तुहानूं नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं तुहाडे कोलों इह तुहानूं इह कह रहा, वह इलमी नुकते या वह दो सवाल जिहड़े तुहाडे दोस्तां नूं होए सी, वह सवाल उन्होंने लाजमी गल तुहानूं दसे होणे ने, इह सवाल उन्होंने साडे नूं कीते सी ते सानूं जवाब नहीं आया, ते सानूं इड्डी बड़ी बेइज्जती होई है। किन्ने लोग बैठे ने, हर बंदा कीमती टाइम कढ के आउंदा, तुसीं घुमाण लग पैंदे हो, वह सवाल दस दिओ ताकि सानूं हो सकदा साडे इलम च भी इजाफा हो जाए, सवाल दसो। ਸਮਾ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ੈਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੰਡਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਏ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਅਤੇ ਢਮਕਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰੋਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਫਤੀ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਨ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮਰਜ਼ਈ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੇ
तरीके नाल सुनना वा ते मैं बड़ा पसंद करना वा मुफ्ती साहब नू। और मैं सिर्फ इस विरात उत्ते आया वा कि जनाब मुफ्ती साहब अगर देखो मैं न्यूट्रल फैसला करांगा, जे एक भरा गल कर रहा है एक बंदा बोल रहा है तो उन्हें उनकी गल मुकम्मल करनी देनी चाहिए हमेशा, ना कि विच बार 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 बोलना चाहिए। बस यह गल मैं करना चाह रहा सी तो उन्होंने मैं ब्रोड तो थले लाता तो वह गुस्सा कर गए। हमेशा इस्लाम प्यार सिखाता है कि इस्लाम सिखाता है कि हमेशा प्यार नाल गल करो, तो मुफ्ती साहब का तरीका ही नहीं गल करन दा। ज़हन गुजर साहब देखो वो अहले इलम लोग ने उन्होंने थोड़े नाल बेहतर पता है। देखो जी मैं तो यह गल कर ही नहीं रहा, ठीक है, मैं ते उन्हां दी बड़ी रिस्पेक्ट, मैं ते आंदे नाल तानू कहा मैं बड़ी रिस्पेक्ट, लेकिन एक बंदा अगर नहीं फिर इंतजार करो आके उत्ते बह के इंतजार करो तानू अगर कोई कमी नजर आई है, कमी बेशी हो सकती है क्योंकि इंसान ने तानू कोई भी नजर आई है इस तरह की चीज, तुसी इंतजार करो, बिल्कुल इंतजार करो, गल मुक जांदी है उस तो बाद उन्होंने आखो कि मैनू यह गलती नजर आई है इस बारे मेरी रहनुमाई करो। बिल्कुल आके विच अब्दुल्ला साहब एक जहल बंदा अगर तुहाडे नाल आके बहस करे तो उन्दे नाल तुसी जहल बन जाओगे। दसो इस्लाम तो यह चीज नहीं सिखाता सानू, इस्लाम कहंदा है कि एक बंदा आके तुहाडे नाल गलत गल कर रहे हैं कुछ पहले उनकी गल पूरी सुन लो उस तो बाद उन्हें जवाब दो तरीके नाल। मैं तो बस यह गल करन आया सी ते मैं बड़े सुकून नाल सुन रहा सी, अपना गल्लां मैनूं बड़ियां अच्छियां लग रही सन ते मैं उत्ते आके सिर्फ गल्लां तुहाडियां सुनना चाहता सा, लेकिन जी गल इंज हुई कि उत्ते आया तो उत्ते सारा माहौल ही बदलिया पे मुफ्ती साहब गल ही नहीं करन दे रहे अगले बंदे। अच्छा एक सैकंड गुजर साहब गल इक जाहिल एक सैकंड गुजर अब्दुल भाई गल पता की होंगी कि इतने असं बैठे रहे ना असं पहले बंदे उन्ना को बोलन देता ताकि पता लग जाए कि रमस केड़ी है, ठीक है। दस फस्ट साडा जिहड़ा फस्ट साडा प्रायोरिटी होंदी है ना कि कोई हुण देखो थले गुजर आया सी डोगर आया सी क्या मनु कोई ये दस सकदा कि ये जिहड़ा सवाल पुछदा सी पिया क्या ये कोई सच्चा पक्का दीने इस्लाम का पहरेदार ये सवाल पुछ सकता वे। मैनू सिर्फ ये गुजर साहब ये सवाल दियो सारी कॉन्वर्सेशन सुनी है क्या एक मुसलमान ये सवाल कर सकता वे ते ये तरीका है वे सवाल करन दा जी। सर मैं तुहानू इस गल का जवाब दिना कि स्टार्टिंग दी गल्लां मैं नहीं सुनियां किसी दी वीआं कौन किस टॉपिक ते की गल हो रही सी एग्जैक्टली फिर तुहानू वे तो इत्थे फिर मैं हुण तुहाडे ते पता की फतवा लासां, ठीक है। ओ फतवा ए लासां कि जदों तुसीं पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी, ठीक है, अद्धी अद्धी अद्धा अद्धा तुसीं गल सुनी ओहदे च तुसीं आ के ते तंबा चुक के आ के ते साडे ते इल्जाम लाण तूं पूरी मेरी सुनेगा क्योंकि तूं पूरी गल नहीं सुनी। ओके लिसन तूं बजाते खुद कहि कि मैनूं पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं पता। ओके वो बंदे ने आके कहा कि जनाब मैं मुसलमान हाँ जिन तू पे कहना मैं, ठीक है, हाँ जी, कि मैं जनाब उनकी कहने ने मेरे ते कहो जी कोई एलिगेशन ना लाई हो दिस नाट, ओके मनु इस चीज का पता भी नहीं है लेकिन वो ऐ कहंदे ने वो ऐ कहंदे ने। बाद विच उन्हें जो कहा ना कि तू हवाला शवाला दस उन्हें जनाब इंटरनेट तो सानू हवाला दे छड़े कि ऐ चीज च, ठीक है। हुण अब्दुल्ला भाई ने जो उन्होंने सवाल पूछा ना कि तू जी तू इबारत पढ़ना पिया ये तेरे ते तू की ये ते समझना क्या ये काम हो सकता वे ते उस बंदे ने ये सवाल जवाब दिता वे कि जनाब एक नबी ते कर सकता वे ते बाकी नहीं कोई कर सकता। ओके ते इतों की साबित होंदा वे इतने बड़े बड़े बन की कहने ने हलफ लैके तो जनाब मिर्जे ते लानत पा के फिर भी गद्दारी कर जाते हैं ये सिर्फ 9 इंच की स्क्रीन है तो सानू की पिछे पता वे कि केड़े कायद लैके बंदा पिछे बैठा था। हां जी ये पाइन गल किसी नु किसी दा नहीं पता कि कौन कौन है, कोई खत्मे नबूवत सानू तुहाडा भी नहीं पता भावें तुसी पिछों मिर्जाई होए कौन जानदा इत्थे ओही गल आ गई ना। फिर गल इंज ते ना करो, गल ए कि मैं तुहानू कहा कि मैं जदों आया वा जनाब कि मैं वेख्या मिर्जाइयत दे उत्ते गल चल रही सी, ठीक है, तो मैं सिर्फ आया वा ताड़ी ब्रोड ते बैठा वा सिर्फ गल्लां सुनन वास्ते कि बड़ी अच्छी मुफ्ती मुबशर साहब गल्लां कर रहे हैं उस तो बाद मैं चला गया वा फिर मैं रिक्वेस्ट भेजी है उत्ते आन वास्ते। जो मैं उत्ते आया वा तो उत्ते आके ए खुजैमा साहब ने ते कौन ने जो भी ने मैं नहीं जानता इन्हां नूं यह गल कर रहे सन ते मैं सिर्फ इन्ना ही गल इन्हां दी गल मुकम्मल नहीं हो रही सी मुफ्ती साहब पता नहीं पिछों गुस्से च आए सन कि की गल सी ओ विच बोल सिर्फ मैं इन्ना कहा मुफ्ती साहब उन्हां नूं गल ते पूरी करन दो क्योंकि इत्थे सारे बैठे ने किसी दी सुनन वास्ते एंजी ए पाइन एंदे च मैं कोई गलत गल ते नहीं कीती। अस्सलाम वालेकुम गुजर साहब जाया गुजर साहब देखो एक जाहिल बंदा उन्हें फड़ी कुआड़ी अब्दुल्ला भाई ओ तुहाडी लत नूं आ रहा वडण
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਫੜਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਆੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ? ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਅੜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਚਾਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਭਾਈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਜੀ, ਵੇਲਾ ਓਕੇ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਮੂਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ? ਮੁਫਤੀ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਜ਼ਾਤੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਹਿਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਲਹਿਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਹ 'ਚ ਦੱਬੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ ਕਿ ਬਈ ਕਰਾਮਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਲਾਂ ਆਏ ਤੇ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਫਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਜ਼ਰਾ। ਜਨਾਬ ਯੇ ਲਿੰਕ ਦੀਏ ਆਪਕੋ, ਇਸ ਲਿੰਕ ਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਅਭੀ ਬੈਠਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਲਿੰਕ ਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਾਈਵ ਆ ਜੇ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਢਾਏ ਚੜਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਸ ਆਏਗੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਉਸ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ PTI ਦੀ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ। ਉਸ ਮੈਨੇ ਇਨਬੋਕਸ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰੋਡ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ID ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਜਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਜਰ ਸੀ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗੁਜਰ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ID ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੈਸੇਜ। ਉਹ ਗੁਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ID ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਦ ਗੁਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਸ। ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਬਾਈ, ਅਜੀ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਆਪਸੇ, ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਪਰ ਆਪ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਅਭੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਜੀ ਅਭੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਭੀ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਯੇ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਆਏ, ਮੈਨੇ ਲਿੰਕ ਦਿਆ ਆਪਕੋ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਆਏ, ਯੇ ਕੌਨ ਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ।
भाई मैं वो सवाल करना चाहता हूँ, मेरे जहन में वो बहुत ज्यादा खफकी कर रहा है। उस हिसाब से शायद आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में पिछले दिनों एक औरत ने वो लिबास पहना था जिस पे वो हलवा लिखा हुआ था अरबी का लफ्ज, जिसके मैनी खूबसूरत है, और उसको देख के बजायरन तो यही शक पड़ता है कि ये कुरानी आयत है, पर उसने वो लिखी नहीं थी। मेरे दिमाग को वो चीज तंग कर रही है, क्या वो गलत थी क्योंकि उसने उस लिहाज से वो चीज नहीं पहनी हुई थी? तो जनाब मोहतरम ये हमारे टॉपिक नहीं होते, टॉपिक हमारा कादियानियत का टॉपिक होता है। आप हजरात पता नहीं कौन कौन से मसले हमारे पास दुनिया जहां के मसाइल हमारे पास उठा के ले जाएंगे, तो हमें नहीं भाई नहीं हम उन मौजूद पे बात करते। अब क्योंकि आप ये काबिल इज्जत है, आप बड़े रुको जरा मैं किससे पूछूं, तो शादी बहुत जरूरी है तो शादी पे जाना था ना, आपने मैसेज कर दिया मुझे बात करनी है, हद हो गई है। माजरत माजरत किस चीज की, आए बात करें ये गौर ये मैदान, अभी आप शादी पे जाना जरूरी हो गया आपका, हद हो गई है भाई। ये औकात है अभी वो कौन कह रहा था जी बड़े पढ़े लिखे कादियानी मैंने देखे हैं जवाब नहीं देते, ये कादियानियों की औकात। मलेशिया का कादियानी है तो लाइव आने से उसकी टांगे कांप रही है जी, कॉल कर तू मैनू ना, मैं लाइव तेरे लाइव नहीं करनी ते पर्सनल दे विच गल करे, ऐ वे ड्रामे इन्हां दे। ओ भाई तुम सच्चे हो तो आई लाइव आके बात करो, हम अगर झूठे हो तो हम लाइव ना बुलाएं, हम फिर लोगों के पर्सनल के अंदर जाके बातें करें, हमें पता है हम सच्चे हैं, हम लाइव बुलाते हैं, हमने सामने बात करो। अच्छा मुफ्ती साहब इजाजत गल कर लवा जी जी। अच्छा जी इन्हां दे सवाल ये भी पूछे मुफ्ती साहब, गल ये कि जिहड़ी चीज़ साढ़े इस्लामिक अरबिक चीज़ा ने इहो जिहियां उन्हां दी मेरे ते मेरा ते ख्याल कहिंदा कि इहो जिहियां चीज़ां नूं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिहदे विच शकून। देखो वह जिहड़े बंदे ने उन्हां नूं दिल दे विच शको शुबात पे ना कि इहने इह काम कीता दा वे, ठीक है करोड़ा किस्म दे मामलात हो रहे, क्या हर चीज असि जवाब देने ने, साडा जदों एक मौजू ही नहीं, साडा मौजू बस ही कुछ अलग जिहा है वे, उत्थे इंज हुंदा उत्थे इंज हुंदा, होण दिओ भाई सानू कदी है जो मर्जी हो, रोकन वाले रोकन ना रोकन उन्हां दी खुशी है, सारे जहान का दर्द असि ही अपने लैना वे, सानू का हजारा मामलात होंगे ने, बड़ा कुछ होंगे पे कि असि हूं अपनी एक छोटी जी बराड़ च बह के पूरी जहान के मसाइल असि ए डिस्कस करना है, कमाल हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा तो तुसी तुसा लोगों बहना हुए फिर इतने, क्योंकि मैं हूँ काम शुरू कर लगा तो जो कहते हो तो मैं लाइव ऑन छोड़ देना, मोडिनेटर बैठे देने। है बराड बंद कर दो कोई मसला नहीं तो कोई होर शुरू कर लो भाई, फिलहाल तो चलो मैं देखना किसी की बराड तुसी खुद चेक कर लो जी बराड आने, क्योंकि मोर पंजा मिनटा बाद कोई मसला नहीं ते काम शुरू करने लगा, ठीक है रब रखा रब रखा कोई ठीक हो गया मुफ्ती साहब। नो प्रॉब्लम गुजर भाई रابطہ کریا جی بھائی شیشا جی میں کرتا ہوں ایک ہاں चलो शायद भाई बंद कर दो ठीक है। ओके मुफ्ती साहब अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अच्छा नेक्स्ट टाइम प्लीज कोई भी सवाल हो ना तो जो ब्रॉड का कंटेंट्स होता है ना दोस्तों वही उसी तरह किया कीजिए, और दूसरी बात हम इतनी लंबी बात इनसे इसलिए कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ इस बंदे को पता चले कि ये बंदा कौन है इसकी रमज क्या, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला जिंदगी मिली जिंदगी दी अपने रुकल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़ फी मान अल्लाह।
इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौकफ और ख्यालात उनके अपने जाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौकफ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौकफ के ज़िम्मेदार नहीं।